हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको बेबी स्वेटर बनाना बताने जा रही हूँ। छोटे बच्चे का 0 साइज से 6 मंथ के बेबी स्वेटर जो छोटे बच्चे को पहनाया जाता है, उसके लिए मैं इसमें 72 फंदा डाली हूँ। ये डिजाइनर फंदा डाली हूँ। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल चुकी हूँ, उसको जाके आप देख सकती हैं। और इसमें मैं 72 फंदा डाली हूँ, एकदम 0 से 6 मंथ के बेबी का है। ये 10 नंबर की सिलाई है और ये वर्धमान का उल है। इससे मैं 72 फंदा डाली हूँ। अब इसमें 72 फंदा डाल के 2 सिलाई उल्टा उल्टा बिन चुकी हूँ, एक ये 2 सिलाई। ये 4 सिलाई में उल्टा उल्टा बिनूंगी, 6 सिलाई, पूरे 6 रो होगा। तो ये देखिए डिजाइन का राइट साइड है, तो ये वाला फंदा आप इस तरह से लीजिएगा, ये दा इस तरह से, फिर इसको उल्टा पूरे रो उल्टा बिनिएगा इस तरह से। तो ये देखिए 2, 2, 4, 5 इस तरह से आप पूरे रो बिन के कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये तीसरा रो मैं उल्टा उल्टा बिन के यहाँ आ चुकी हूँ। ये मैं बटन पट्टी का काज बना रही हूँ। इस बटन पट्टी में मैं इसमें 6 फंदा रखी हूँ दोनों तरफ से। अभी आगे चल के मैं इसको क्लियर करूंगी आपको। ये देखिए ये 6 फंदा मैं 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 ये देखिए 2 फंदा बिन चुकी हूँ। ये तीसरे वाले में मैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से काज बना दी, 3, 4, 5, 6। अब देखिए इसको कैसे करना है आपको, ये वाला फिर सीधा बिन इस तरह से सीधा लीजिए, फिर तक आगे कीजिए, फिर 1, 2, 3 हो गया ये फंदा, ये 4। अब ये दो को एक कर लीजिए। ये काज बन गया आपका बटन पट्टी का काज। ये वाला देखिए ये छोटा सा बेबी का काज बन गया स्वेटर का। देखिए इस तरह से बटन पट्टी में बनता है। अब ये पूरे उल्टा ही बिन के कंप्लीट कर रही हूँ ये रो को। अब ये देखिए, अब ये मैं 6 रो उल्टा उल्टा, इधर से भी उल्टा राइट साइड से और ये रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए डिजाइनर फंदा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे मैं बटन पट्टी देखिए ये भी बना चुकी हूँ। अब आगे आपको मैं ये बता रही हूँ कि इसको किस तरह से, ये ऊपर के साइड से गला से बिन रहे हैं हम इसको। इसका ये 72 फंदा है, इसका 6 इस साइड बटन पट्टी के लिए, 6 इस साइड बटन पट्टी के लिए रख के आप बीच वाला 9, 9, 9 इधर 9 इधर आगे साइड का, और उसके बाद 2, 2 सीधा 2 फंदा इधर 2 फंदा उधर। ये देखिए मैं बिन के आपको बता रही हूँ, समझ में। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बटन पट्टी का हो गया 6 फंदा। ये राइट साइड है तागा, ये देखिए इस तरफ से कीजिए। अब ये सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदा आगे वाला हो गया। तो अब इधर देखिए मैं बता रही हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटन पट्टी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे वाला। अब ये 2 फंदा में इस तरफ भी जाली उस तरफ भी जाली इस तरह से, देखिए 2 इधर 2 इधर हो गया। फिर इसके बीच में 7 फंदा, मतलब उसका आस्तीन का,
आस्तीन का 7 फंदा जो हम हाथ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आस्तीन वाला, मतलब जो हम हाथ बनाएंगे उसका। फिर ये 2 फंदा इस तरफ, इधर भी जाली इसका होगा, इस तरफ भी, दोनों तरफ इससे फंदा बढ़ता है। इधर भी ये 2 फंदा हो गया और बीच में रह गया आपका पीछे साइड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 फंदा बीच में रह गया आपका बैक साइड में, 22 फंदा। तो अब ये मैं 9 फंदा बिन चुकी हूँ। दोनों तरफ बराबर करके इसी तरह आप रखिएगा, जो दोनों तरफ बराबर कर लीजिएगा आस्तीन तक, जाली तक, उसके बाद बीच में जितना रहेगा आप बिन लीजिएगा, और आस्तीन तक हाथ बिनने तक बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो ये 9 फंदा हो गया। अब इसके देखिए, ये एक जाली, फिर ये दूसरा सीधा, फिर इस तरफ भी जाली। इस जाली से इधर बढ़ जाएगा फंदा आपके आगे साइड, इधर आस्तीन में हाथ में। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे के बाद फिर इस तरफ से जाली, फिर 2 फंदा, फिर इस तरफ से जाली। ये देखिए, यहाँ इस तरफ से जाली, इधर भी बढ़ेगा, इधर पीछे साइड बढ़ेगा, दोनों तरफ जाली पड़ने से दोनों तरफ फंदा बढ़ता है, आगे भी पीछे भी और हाथ का भी। तो ये जाली हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 फंदा हो गया पीछे वाला। तो एक बार आप और गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फंदा हो गया बटन पट्टी वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया आगे वाला। अब ये 2 हो गया जाली वाला, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया बीच वाला। अब इधर दोनों तरफ जाली पड़ेगा, ये देखिए 1 फंदा ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 अभी बिन के पहले इधर जोड़ लेते हैं हम, 2 2 4 2 6, ये बटन पट्टी का, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये आगे का, ये 2 जाली का, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसका हो गया, फिर ये 2 जाली का, ये बिना जाएगा। तो ये हो गया 20, आपको बैक साइड में, पीछे साइड में 20 फंदा हो गया। फिर तक आगे खींचिए इसका, एक साइड जाली, फिर तक आगे खींचिए ये दूसरी साइड जाली, 1 फंदा, 2 जाली वाला भी, जाली के जो आगे बिनती है वो फंदा भी गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये हाथ का हो गया आस्तीन का। फिर तागा आगे, फिर 1 2, फिर ये जाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया आगे का फंदा। अब ये देखिए, 2 2 4 2 6, ये हम दोनों साइड से, ये उल्टा, ये आगे वाला बॉर्डर हो जाएगा, ये हमेशा उल्टा बिना जाएगा। देखिए फिर इसको तागा को आगे कीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6, ये बटन पट्टी वाला बॉर्डर है उल्टा उल्टा। अब फिर तागा आगे, ये हो गया उल्टा साइड डिजाइन स्वेटर का, उल्टा उल्टा साइड। ये देखिए, इसको इस तरह से उठाइए, इसको इस तरह से आगे कर लीजिए, 2
तीन चार पाँच छः, ये बटन पट्टी वाला, दो दो चार दो छः, इस तरफ से तो पूरे ही उल्टा ही बिन लीजिए आप। दो, ये जाली वाला फंदा जो ऊपर से जाली डलता है इसको उल्टे साइड से इस तरह से बिन लेना है आपको हर कांटा में। दो, और ये देखिए ये बिन लेना, बस ये इसी यही ध्यान रखना है आपको, उल्टा में बिनना है उसको भी, पूरे उल्टा कंप्लीट कीजिए। मैं उल्टा काटा आपको यहाँ बता चुकी थी, उल्टा रो बुन के कंप्लीट कर चुकी थी, फिर ये सीधे से आपको मैं पूरे ये जाली पूरे कंप्लीट करके मैं बता रही हूँ। ये लास्ट जाली है, इसमें 15 जाली मैं डाली हूँ, 15। अब इसको देखिए कैसे है ये, क्योंकि ये पूरा मैं दूसरा पिछले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, पिछले वाले ये पूरे का मेरे चैनल पे डाला हुआ है पूरा वीडियो। ये देखिए इस तरह से ये तागा आगे कीजिए, ये वाला हमेशा इसी तरह से लीजिएगा। देखिए ये वाला, ये इस तरह से है, इसमें देखिए ये इस तरह से रहता है, इसको आपको इस तरह से लेना है, ऐसे लेके इसे आगे कीजिए तभी ये इस तरह से आएगा। देखिए चोटी बना हुआ कितना खूबसूरत लगता है ये, इससे आगे ये देखिए छह फंदा बटन पट्टी का था, ये 3 4 5 6, ये छह पट्टा फंदा बटन पट्टी का, तागा आगे कीजिए। ये वाला फंदा बिना नहीं है, इसको इस तरह से उतार लेना है आपको, फिर ये सब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 फंदा हो गया इसका आगे साइड का। देखिए इस तरह से ये 23 छह फंदा लगा के, इसमें यहाँ पे एक जाली और आपको डालना है अभी। देखिए इस तरह तक आगे कीजिए इस वाले पे, ये देखिए इस वाले उन पे आपको ये जाली डालना है इस तरह से। ये देखिए ये जाली डल गया इस पे, ये देखिए इस पे इस तरह से ये जाली डाल लिया पहला, तो ये यहाँ से इस साइड आगे साइड आ जाता है। अब ये वाले से इधर बाही का आस्तीन का हो जाता है, जो बाँ बिनेंगे हम इसमें, तो ये देखिए ये फिर यहाँ पे जाली 1 2 3 4 37, अब ये वाला फंदा इस तरह से 38 39, मतलब ये यहाँ पे 40 फंदा का आपको ये बाही हो जाएगा 40 फंदा का। ये इस तरह से ये पूरे रो आप कंप्लीट कीजिए। अब ये देखिए ये मेरा न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए इस तरह से ये गोल गला आएगा, इस तरह से ये स्वेटर इस तरह से इस पे आ जाएगा, ये इस तरह से ये दोनों आस्तीन हो जाएगा, और ये पीछे बैक साइड, ये आगे साइड, ये बटन पट्टी ये वाला में देखिए 1 2 यहाँ पे 3 3 में बटन पट्टी बना चुकी हूँ। अब ये देखिए इसमें फंदा कितना है आपको मैं ये बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 फंदा है आगे साइड, इस साइड भी 31 इस साइड भी 31, जिसमें 6 6 बटन पट्टी का है, ये 31 ये है 41 आस्तीन का, 41 इस साइड भी है इस साइड भी है 41। अब ये बैक साइड का है, इसमें देखिए ये 53 बैक साइड का 53, ये 31 ये 31 ये 41 ये 41 ये 53 पीछे बैक साइड का है। अब ये पहला पार्ट इसे कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए इस तरह से ये स्वेटर होगा, मैं अभी इसको दो कांटा में करती हूँ, आगे साइड का और पीछे साइड का बिनूंगी, दोनों आस्तीन छोड़ दूंगी। अब देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।